आज मैंने एक नया रिकॉर्ड बना लिया भाई। हे गाइस, व्हाट्सएप, कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल राइटर शक्ति में, और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट शक्ति सिंह। सो गाइस, आज हम कर रहे हैं अपनी बाइक की थर्ड सर्विसिंग। फ्री सर्विसिंग है तो थर्ड सर्विसिंग करवा रहे थे। संडे है तो संडे मैंने सोचा चलो, यहाँ पर हिमाचल में एक अच्छी बात होती है कि संडे को ये वाला DK मोटर्स का शोरूम ओपन होता है, तो यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ। और चलो देखते हैं आज की थर्ड सर्विसिंग में क्या क्या होता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और जो लाइक का बटन है उसको भी प्रेस कीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी पक्का कीजिएगा, ठीक है? और कमेंट्स आपके मेरे लिए हमेशा हेल्पफुल रहते हैं, यूज़फुल रहते हैं। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है, प्लीज़ अपने कमेंट्स पक्का दीजिएगा, ठीक है? जो भी आपको अच्छा लगता है या कोई चीज़ आपको लगती है कि ये चीज़ होनी चाहिए उसके विषय में बताइए, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और देखते हैं कि आज की ये सर्विसिंग कैसी होती है। ये देखिए गाड़ी की धुलाई हो रही है और बहुत अच्छे से धुलाई की जा रही है, और बाकायदा इसमें शैम्पू लगाया जा रहा है अभी। वाह भाई क्या खुशबू है। क्लीनिंग के मामले में तो भैया 10/10। आप मंडी में आते हैं तो मंडी की क्लीनिंग का काम बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री होता है, बहुत ही अच्छे से ये काम करते हैं। और इसमें जो ऑयल भी डालते हैं आप हीरो के ही डालते हैं ना? तो हीरो के सर्विस सेंटर में आने का एक फ़ायदा है कि ये एक तो बहुत ही अच्छा सर्विस करते हैं, फोकस होता है कि एक इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ आपको लोकल एरिया में मिल जाती है, और उसी टाइप से इनका स्पेशल ब्रांड जो आता है हीरो का, वो अपना लिक्विड को ये ऑयल इंजन को यूज़ करते हैं, जो कि और अच्छा भी माना जाता है उसको। इसमें थोड़ा ज़्यादा आता है ना ऑयल? कितना आता है इसमें? 1100 ml। अच्छा, इसमें ग्रीसिंग कर रहे हैं, इससे स्मूथ हो जाती होगी गाड़ी, है ना? नहीं, ये जो इसका बोल्ट है ये फंसता नहीं है। अच्छा, ग्रीसिंग है। अच्छा मशीन पकड़ेगा ये खुलेगा आराम से, खुलेगा आराम से। इजी दूसरी बार अगर पंचर हो जाए तोड़ना हो तो अपने इजी खुल जाए, इजी खुलते हैं। सूखा रहेगा, ड्राई रहेगा तो ये जल्द पकड़ेगा। ठीक ठीक है, टाइट हो जाना है। हां हां, समझ गया। अभी टायर का अलाइनमेंट देखा जा रहा है अच्छे से, और इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। एक तो इसमें ग्रीस भी डाल दी है टायर में। इसका एक एडवांटेज रहता है कि जब अगर इन फ्यूचर टायर पंचर वगैरह होता तो इसको निकालने में आसानी रहती है, अदरवाइज़ क्या होता है ये बड़ा हार्ड हो जाता है, निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको।
यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको क्लीन किया जा रहा है। बकायदा क्लीन करने के बाद यहाँ पर अच्छे से ग्रीसिंग की जा रही है, स्पेशल ग्रीस है जिसको यहाँ पर अच्छे से लगा रहे हैं ताकि ये स्मूथ हो जाए। अब बकायदा इसके पॉइंट्स को ऑयलिंग की जा रही है, कुछ एक पॉइंट्स जो कि मूव करते हैं। अगर हम इनको ऑयलिंग ना करें तो एक इश्यूस ये पड़ता है कि यहाँ पर जंग लगने के चांसेस होते हैं और कई बार ये लॉक हो जाते हैं। और ये बहुत ही अच्छे से इनको स्मूथ कर रहे हैं बढ़िया से। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बकायदा ग्रीसिंग कर दी गई है। कंप्लीट हो चुकी है और रेडी है बिल्कुल। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि डिक्की मोटर में आप आते हैं तो आपकी गाड़ी की सर्विसिंग तसल्ली से होती है। आप बहुत खुश होते हैं कि आपका पूरा काम ए टू जेड बहुत ही एक प्रोफेशनल लोगों के द्वारा किया जाता है, बहुत अच्छे। तो सर योर गुड नेम? सुनील। सुनील, तो सुनील भाई आज क्या क्या किया गया इस बाइक में? आपका इंजन ऑयल चेंज हुआ, चेन हुई, एक्सल ग्रीसिंग हुई, स्पार्क प्लग क्लीन हुआ और ए टू जेड जो भी। अच्छा, स्पार्क प्लग क्लीन हुए, सेंसर चेक हो गए, ओके, और लाइटिंग हो गई, टायर का अलाइनमेंट वगैरह भी हो गया है ना, ऑयल चेंज हुआ है ना, और एयर फिल्टर वगैरह क्लीन हुआ, ओके, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छे। अभी कोई रिक्वायरमेंट मेरी बाइक में आपको लगती है? रिक्वायरमेंट कोई नहीं है अभी, ओके गाड़ी आपकी। अच्छा, तो भाई आज की सर्विसिंग हो गई है जो कि बहुत ही अच्छी और सेटिस्फैक्टरी हुई है। चलो देखते हैं आज हमारा बिल कितना बनता है। तो सर आप बताएंगे कितना बिल बना हमारा आज का? 318 रुपये। मैंने आपको कहा है कि एक्सवल्स का एक सबसे अच्छा एडवांटेज है, एक तो बहुत ही बजटेबल बाइक है एंड सेकेंडली हीरो की जो सर्विस है वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी। ये अपना बेस्ट देते हैं, आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी बिल्कुल चकाचक की गई और जो बजट आ रहा है जो आज का बिल बन रहा है वो 318 रुपये मात्र। तो इससे अच्छा और क्या चाहिए भाई, आप किसी और व्हीकल इसके साथ कंपेयर कीजिएगा, वहाँ पर आप देखिए आप कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और आई थिंक इसके लिए थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस बजट में इतना अच्छा कुछ करने का। वेलकम सर, थैंक यू। ये है बिल, आपको मैं बिल भी दिखा लेता हूँ, आप देखिए बिल, ये आप देख रहे होंगे बॉटम में, और बकायदा इनवॉइस बहुत ही अच्छे से बना के दी गई। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलो फिर मिलते हैं अगले बार अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे, बाय।